ज्वाइनिंग और वेतनमान लागू कराने को लेकर विश्वविद्यालय के अतिथि अध्यापक धरने पर, कुलपति का घेराव करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को बुलानी पड़ी पुलिस। कुलपति कार्यालय के बाहर गुरुवार देर रात तक हंगामा मचा रहा। हंगामा कुछ ज़्यादा ही तेज था, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बुला ली। देर रात मामला इस बात पर सुलझा कि शुक्रवार को एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और अतिथि अध्यापक बैठकर मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय के अतिथि अध्यापक ने महज अपनी दो मांगे रखी हैं। कहने को तो ये केवल दो मांगे हैं, लेकिन ये मांगे ऐसी हैं जिनको मानने में विश्वविद्यालय प्रशासन को पसीना आ रहा है। अतिथि अध्यापक चाहते हैं उनको उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नियुक्त किया जाए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उनके यहाँ उच्च शिक्षा का आदेश लागू नहीं होता है। विभागाध्यक्षों का मानना है कुछ विभागों में छात्रों की पर्याप्त संख्या न होने से उनको वेतन भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन शासन से मार्गदर्शन मांग रहा है, वहीं अतिथि अध्यापक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना है सहमति किस बात पर बनती है। क्या वजह है इसमें? जिस सर्कुलर की मांग करना है वो कॉलेजेस के लिए आया हुआ है। विश्वविद्यालय की तरफ से आता है, विश्वविद्यालय की आया नहीं है। विश्वविद्यालय से के लिए नहीं आया हुआ है सर्कुलर। कल भी लोगों ने 8 बजे तक दिवस काम किया, उसके ऊपर मैंने रेसिडेंस फैकल्टीज प्रभारी आचार्य आए हैं, बहुत से बैठक बनाए। डिसीजन लिया गया ठीक है, इनको बेस्ट से कर लीजिए। आपका सेमेस्टर ब्रेक है जो है तो 15 से 15 हम लोगों ने हम कर दिया नौ से हो इसी बीच में जो जो डॉक्टर साहब सरकार का आया है पर जो है कल परसों की बैठक और उसको विधिक राय जो है कार्रवाई किया जाए। इसके लिए डिसीजन मानने टीचर से कहना है कि जो आदेश है वो आदेश का पालन आप नहीं करते। आदेश तो कॉलेज के लिए आया हुआ है, कॉलेज या विश्वविद्यालय के लिए नहीं आया। जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती चाहती है। शासन का आदेश जबरदस्ती है क्या? शासन का आदेश कभी जबरदस्ती नहीं होता। वो सिटी के लिए सर्कुलर नहीं आया तो सर्कुलर तो कॉलेज के लिए है। फाइल में पड़ा हुआ।
हम लोगों की सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी सर से, इतना उग्र आंदोलन होता ही नहीं, बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट थी कि लगातार इतने वर्षों से काम करने के बावजूद हम लोगों का कोई इंक्रीमेंट नहीं, और ना ही कोई इंक्रीमेंट कुलपति जी चाहते हैं। 30,000 जो कि कॉलेजों में गवर्नमेंट जितने भी महाविद्यालय हैं सब पे लागू हो रहा है, पर विश्वविद्यालय में वो करने के लिए तैयार नहीं। तब वो उनके तमाम जो समन्वय समिति और दूसरे नियम आड़े आ जाते हैं जिनका सिर्फ बहाना है। अभी अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स चेक करें तो इसमें कई अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें राज्य शासन के नियम नहीं माने, राज्य शासन के नियमों के खिलाफ इन लोगों ने किया, और इन सब चीज़ों पर अब कार्यवाही की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। आंदोलन अब कम नहीं होगा, उग्र ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर करके अब थक चुके। यूनिवर्सिटी के लिए तो 275 रुपये का आदेश भी नहीं आया था, कॉलेजों के लिए आया था, जो कि यूनिवर्सिटी पे ज़बरदस्ती लागू किया गया वो महाविद्यालयों के लिए था। तो जब वो लागू किया गया तो 30,000 का भी लागू करना चाहिए।